हेलो जिज्ञासु पीपल, जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का पता आप इस चीज से लगा सकते हैं, जिन स्मार्टफोन से आप हमारी वीडियो देख रहे हो, अगर आप 50 साल पहले होते तो नहीं देख पाते और हम भी ये वीडियो नहीं बना पाते, क्योंकि दोस्तों उस समय सोशल मीडिया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। क्या हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ने कभी प्रेडिक्ट किया होगा कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होगा जो कि एक क्लिक से ही आप किसी को भी कॉल और मैसेजिंग कर पाओगे और एक ही क्लिक में इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर पाओगे। वेल दोस्तों, इसका मतलब समय के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, बट आज का टॉपिक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेक्नोलॉजी। आज हम आपको एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक एंड इमेजिनरी वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको कुछ ऐसा ही वर्ल्ड आज से 50 साल बाद देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने इमेजिनेशन के पिटार को खोल दीजिए। तो चलिए अब हम टाइम मशीन में बैठते हैं और टाइम ट्रेवल करके उस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में जाते हैं। अब आपके सामने जो वर्ल्ड है वो आज से 50 साल बाद का है, जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आप अपने टाइम मशीन से उतरते हो और अब आप क्या देखते हो कि एक ऐसा घर जिसकी वॉल का कलर एंड डिजाइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बस इतना ही नहीं, ये घर कोई नॉर्मल ईंट से नहीं बना होगा, बल्कि इस ईंट की खासियत ये होगी कि ये एक बैटरी होगी जो कि आपके घरों में पावर सप्लाई करेगी, और ये सारी ईंट रिचार्जेबल होगी जो कि सनलाइट से चार्ज हो जाएगी। तो सोचो आपका घर कितने ईंट से बनता है। अगर ये सारे ईंट बैटरी बन जाए तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट इन बैटरी कम ईंट से ही पूरी हो जाएगी। इससे कोई बड़े बड़े ट्रांसफार्मर पावर प्लांट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही फ्यूचर में आपको एक ऐसे कपड़े देखने को मिल सकते हैं जिसको धोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो अपने आप साफ हो जाएगी, और इन कपड़ों को आप अपने हिसाब से कलर एंड डिजाइन कस्टमाइज कर पाओगे। अब आप अपने घर से बाहर निकलते हो और क्या देखते हो, एक ऐसी कार जो कि हवा में उड़ सकती है, और ये कार एक ड्राइवरलेस कार होगी। इसका सिस्टम इतना एडवांस होगा जो कि अपने आप पता लगाएगा कि कितनी स्पीड में चलना है, कब रुकना है और कब फ्यूल चाहिए। ये सारे कार सोलर एनर्जी की मदद से चलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार रात में कैसे चलेगी, तब हम आपको बता दें इस कार में चार्जेबल बैटरी होगी जो कि बहुत लंबा बैकअप देगी। इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, इसका मतलब उस टाइम हम सब एयर ट्रैवल कर पाएंगे। अब आप इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में कई लोगों के हाथ में स्मार्ट वॉच देखते हो। इस स्मार्ट वॉच को साधारण वॉच समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच आपके पसीने से चार्ज हो जाएगा। इस स्मार्ट वॉच में आप हर ऐसा काम कर पाओगे जो कि आप अपने स्मार्टफोन से करते हो, और साथ ही आपका चश्मा एक स्मार्ट ग्लास होगा जो कि आपके विजन को भी ठीक कर देगा। स्मार्ट ग्लास की टेक्नोलॉजी आपको कुछ सालों में ही देखने को मिल सकती है, और इसमें कई कंपनी काम भी कर रही है। इसमें सबसे आगे एप्पल चल रहा है। हमने एप्पल के स्मार्ट वॉच पर एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। रुको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिर स्मार्टफोन का क्या। हम आपको बता दें, आपके स्मार्टफोन का सारा काम आपके स्मार्ट ग्लास और स्मार्ट वॉच ही कर देगी, और आपके लैपटॉप एंड कंप्यूटर फिजिकल नहीं बल्कि होलोग्रामिक होंगे। इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में एआई बहुत एडवांस हो जाएगा, और एआई की मदद से आप कुछ भी कंट्रोल कर पाओगे, और आपके कंप्यूटर आपके ब्रेन से लिंक हो जाएगी और आप अपने ब्रेन से कंट्रोल कर पाओगे। साथ में मेडिकल इक्विपमेंट भी एडवांस हो जाएगी। अब आपके पास बल्कि हर घर में एक ऐसी डिवाइस होगी जिससे आप अपने बॉडी को मॉनिटर कर पाओगे। इस टाइम नैनो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो जाएगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आपके कई हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी से क्योर हो जाएंगे। साथ में उस टाइम तो स्पेस ट्रैवल तो आम बात हो जाएगी, फिर अगर आपको स्पेस में घूमना होगा तो आप अफोर्डेबल प्राइस में घूम पाओगे, और उस समय तो आप में से कई लोग मार्स पे भी चले जाओगे। ऐसा कैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलन मस्क खुद इंसानों को मार्स पे बसाना चाहते हैं। शायद उस समय मार्स और अर्थ के बीच स्पेस नेटवर्क भी बन जाए, जिसमें हर महीने इंसानों को अर्थ से मार्स ले जाया जाए और मार्स से अर्थ लाया जाए। जिस तरह आप अभी कहीं घूमने जाते हो तब आप मार्स घूमने जाओ। अगर आपको ये वीडियो देखनी है कि एलन मस्क इंसानों को मार्स पे कैसे बसाएंगे, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हो। और इस समय हम इंटरप्लेनेटरी मिशन के बजाय इंटर सोलर सिस्टम मिशन कर रहे होंगे। इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में आपको बुर्ज खलीफा जैसी कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिल सकती है, और हाँ, ये वो समय होगा जहाँ आपको ट्रैवलिंग में घंटों नहीं लगेगा, बल्कि आप कुछ मिनटों में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाओगे, और इंटरनेट स्पीड भी टीबीपीएस में होगी। इसका मतलब ये वो टाइम होगा जब आपकी लाइफ बहुत फास्ट होगी। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेट करें जो कि इको फ्रेंडली हो, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, साथ में सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट भी हो। तो दोस्तों, आज के फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के सफर को यहीं खत्म करते हैं। ये तो सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजी थी इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड की। इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में कई इनोवेशंस होंगे। अगर आपको और भी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके बताओ, हम और भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।